हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू अनबॉक्स डेली। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस की। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं और इसको रिव्यू भी करने वाले हैं, इसकी ऐप देखेंगे और एक माइक टेस्ट भी एंड में डाल देंगे। तो आइए जल्दी से इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो ये ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है विद वायरलेस चार्जिंग, टू वे स्पीकर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। बैटरी इसकी थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, एज इसमें केस एज वेल एज बड्स के साथ आपको डेडिकेटेड काफ़ी डिसेंट बैटरी मिल जाती है विद 11 आवर्स का प्लेबैक ऑन अ सिंगल बड एंड 22 आर्स का विद द केस। उसके अलावा इसमें आपको 6 डेडिकेटेड बाइक्स मिल जाते हैं, 3 ऑन ईच बर्ड। आई थिंक दैट इज रियली गुड फॉर कॉलिंग। ऑल्सो इसमें फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है आपको वाया सी टाइप केबल, जिसमें कि 3 मिनट्स के चार्ज में आपको 60 मिनट्स तक का प्लेबैक मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज बर्ड्स एज वेल एज द केस आर प्रीटी लाइट वेट बट स्टिल हैवियर देन द रियलमी बर्ड्स एयर 2, जिनकी की अनबॉक्सिंग हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। दे वर ओनली 4 ग्राम्स वेट ऑफ अ सिंगल बर्ड एंड ओवरऑल दे वर ओनली 44 ग्राम्स वाइल दिस वुड बी अराउंड 62 ग्राम्स। आइए और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें की कंपैटिबल वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाती है विच इज गुड। इंटेलिजेंट टच कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट आपको विंग टिप्स भी मिलते हैं, जिससे कि आपका फिट काफी अच्छा हो जाता है। ऑल्सो एज मेंशनड बाय सैमसंग, इसमें आपको इंटेलिजेंट वन टैप पेयरिंग भी मिल जाती है बट दैट इज ओनली कंपैटिबल विद सैमसंग डिवाइसेस। तो आइए अब जल्दी से बॉक्स कंटेंट्स को देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसमें आपको विंग टिप्स मिल जाती हैं, उससे आपका इन एयर इनका सपोर्ट काफी अच्छा रहता है और आपको कंफर्टेबली फॉर लॉन्ग आवर्स वेयर करने में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सैमसंग हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड टिप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इनसाइड द बॉक्स एंड आई थिंक इट्स रियली गुड दैट दे कैन बी इजिली कंपैटिबल विद डिफरेंट एयर साइजेस। तो आप अपने चॉइस का, अपने कंफर्ट के हिसाब से जो भी टिप आपको सूट करे आप उसको लगा सकते हैं अपने बर्ड पे। एंड ऑल्सो अगर आपको विंग टिप नहीं लगाना तो आप नॉर्मल ग्रिप भी लगा सकते हैं विच हैज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड आउट ऑफ द बॉक्स। सो आई थिंक इन दैट वे सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस आर क्वाइट कस्टमाइजेबल, जो कि बाकी के एयरफोन्स नहीं होते हैं। एज वेल एज कॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑन पेपर तो बोला गया है कि 6 डेडिकेटेड माइक्स आपको दिए गए हैं, तो विद दैट रिकार्ड आई थिंक फॉर कॉलिंग दीज वुड बी रियली गुड। एंड ऑल्सो दीज कम्स विद एन सी टाइप केबल इंक्लूडेड अलॉन्ग विद फास्ट चार्जिंग, सो आई थिंक इन दैट एस्पेक्ट एज वेल बैटरी वाइज तो ये काफी अच्छे साउंड कर रहे हैं। ऑल्सो सैमसंग क्लेम करता है कि सिंगल चार्ज पे अप टू 7.5 आवर्स का आपको इस पे कॉलिंग का टाइम मिल जाएगा विच आई थिंक इज रियली गुड, स्पेशली फॉर जूम कॉल्स एज वेल एज लॉन्ग फोन कॉल्स। अगर मैं इनके प्राइस की बात करूँ तो दीज कम फॉर अराउंड 6,000 और इतने प्राइस रेंज में भी इनमें ANC नहीं दिया गया है विच आई थिंक इज अ बिग मिस, सिंस जैसा हमने रियलमी के एयरफोन्स में देखा था बोथ Q2 एज वेल एज एयर 2 में आपको ANC इंक्लूडेड था विच आई थिंक डिड अ डिसेंट जॉब। इसमें आपको एम्बियंट मोड का ऑप्शन दिया गया है विच एक्चुअली सैमसंग क्लेम्स कि आप एम्बियंट नॉइज को कट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द लेवल्स विच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द सैमसंग ऐप, बट आई डोंट थिंक दैट डज अ रियली गुड जॉब एज कम्पेयर टू द रियलमी बड्स। मैं दोनों रियलमी बड्स की वीडियो राइट हैंड टॉप कॉर्नर एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उन्हें जरूर चेकआउट करिएगा। तो आइए प्रोडक्ट ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं ये ब्लैक शाइनी बॉक्स में आ जाते हैं, इनका मैग्नेटिक जो फील्ड है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बर्ड्स आर क्वाइट स्नग एज वेल एज क्वाइट फिट इन द बॉक्स और काफ़ी शेक करने के बाद भी ये नहीं निकलते हैं। शेप भी इनकी काफ़ी अच्छी है एंड बोथ द केस एज वेल एज द बर्ड्स आर क्वाइट शाइनी। यहाँ पे आपको एक बैटरी इंडिकेटर लाइट भी मिल जाती है एंड आई थिंक शेप वाइज भी ये काफ़ी स्लीक है। बाकी बॉक्स कंटेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज पेपर वर्क मिल जाएगा विच इंक्लूड्स द वारंटी इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द यूजर गाइड एंड द क्विक स्टार्ट गाइड। तो आइए अब इसका माइक टेस्ट भी करके देख लेते हैं। सो गाइस, दिस ऑडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय द सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस। तो आप देख सकते हैं कि इसका माइक कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऑल्दो सैमसंग क्लेम करता है कि इसमें 6 माइक्स आपको मिलते हैं, डेडिकेटेड 3 माइक्स ऑन ईच बड, तो आप देख सकते हैं कि इसकी आवाज कैसी सुनाई दे रही है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसकी आवाज कैसी लगी। बाकी मैं इसकी साउंड क्वालिटी की अगर बात करूँ तो काफी ज्यादा लो बेस थी इनमें, बिल्कुल भी बेस नहीं आ रही थी, जो कि बेस में थंप आना चाहिए या फिर डेडिकेटेड जो बेस होती है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। ट्रेबल्स काफी सही थे, मिड्स भी काफी अच्छे साउंड कर रहे थे, तो उस हिसाब से वॉइस क्लैरिटी इनमें काफी अच्छी थी। सिंस दे कम विद AKG ब्रांडिंग तो आई थिंक वो तो अच्छी होनी ही चाहिए थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द साउंड क्वालिटी वॉज नॉट एज गुड एज दैट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज प्रीमियम बड्स। तो ये जल्दी से एक बार सैमसंग गैलेक्सी बड्स की ऐप को भी देख लेते हैं। तो दीज बड्स कम्स विद अ डेडिकेटेड ऐप और ये iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के साथ कंपैटिबल है। तो ये ऐप आपको दोनों प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। तो इस ऐप में जैसा कि आप देख सकते हैं आपको एम्बियंट साउंड एडजस्ट करने के डिफरेंट लेवल्स दिए गए हैं, वो आप कर सकते हैं, एज वेल एज एन इक्वलाइजर भी दिया गया है विच यू कैन चूज टू चूज बिटवीन सॉफ्ट बेस बूस्ट नॉर्मल डायनेमिक क्लियर एंड ट्रेबल बूस्ट। आई थिंक बेस बूस्ट ही इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसा मैंने आपको बताया था दीज कम्स विद इंटेलिजेंट टच कंट्रोल्स, तो आप उनको भी इस ऐप के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। टच कंट्रोल्स भी इसके काफ़ी इंट्यूटिव है और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इसमें आपको सिंगल टैप टू प्ले पॉज
पास मिल जाता है डबल टैप टू नेक्स्ट सॉन्ग और रिसीव और एंड कॉल, ट्रिपल टैप फॉर प्रीवियस सॉन्ग, और टच एंड होल्ड करके आप अपना कोई सा यूजर सेट एक्शन भी लगा सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ रियली गुड एंड काफ़ी इंट्यूटिव है कि आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम फंक्शनलिटीज़ फ्रॉम द ऐप जो कि आप सेट कर सकते हैं कि लाइक कॉल्स के टाइम पे आपका एम्बियंट मोड सेटिंग क्या होनी चाहिए। फाइंड माय ईयरबड्स का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। ऑल्सो यू कैन रीसेट योर ईयरबड्स एंड ऑल्सो द ऑप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट हैज़ बीन ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द ऐप। सो ओवरऑल द ऐप इज़ प्रीटी गुड एंड आई थिंक इट डज द जॉब एज इट शुड। So guys, my final thoughts on these earphones would be that these are not for bass lovers and these are only for people who want to do calling for long hours. Also, the performance of these earphones are quite balanced and quite average hai inki performance. Music listening experience bhi decent hai, but I think 6000 रुपये की प्राइस रेंज में इसमें जो फीचर सेट भी आपको मिल रहा है दे डोंट मेक इट एज मच एज अ वैल्यू फॉर मनी एज वेल, क्योंकि काफ़ी कम प्राइस रेंज में आपको इससे काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ हेडफोन्स मिल जाएंगे, इवन एयरफोन्स भी। जैसे मैंने रियलमी बड्स एयर टू एज वेल एज क्यू टू का रिव्यू किया था, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं सिंस दे आर वेरी वैल्यू फॉर मनी। इसमें 6000 रुपये में आपको ANC भी नहीं मिलता है, विच आई थिंक इज अ बिग मिस, और ये तो इंक्लूडेड होना ही चाहिए था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वेरी लेस और as compared to zero base offered by these earphones. So guys, that's it for this video. I hope आपको ये video पसंद आई हो। आपको अगर इन buds के बारे में और कुछ जानना है तो मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा and do subscribe to the channel and also hit the bell icon so as to not miss out on any such amazing video in the future. Thank you guys for watching and I'll see you in my next video.